नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जी हां, हम एक नई लोकेशन पे शिफ्ट हो चुके हैं। एनएसपी से नेताजी सुभाष प्लेस से हम प्रीतमपुरा तरुणी क्लब में आ गए हैं। यहां पे हमें बेटर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम बिगर प्रेमिसेस पे शिफ्ट हो गए हैं। हमारा जो एड्रेस है वो 77 तरुणी क्लब, नया एड्रेस जो है प्रीतमपुरा न्यू दिल्ली। आज एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ, जानेंगे उनसे क्या समस्याएं थी और क्या क्या कैसे कैसे उनको आराम मिला। क्या नाम है? मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत। जब आए थे मुकेश, क्या क्या दिक्कत आ रही थी? जब सर हम आए थे फर्स्ट टाइम तो सर फीवर हो रहा था। मास्क थोड़ा नीचे कर लो, आवाज नहीं आ रही। जब फर्स्ट टाइम आए थे तब हम सर फीवर हो रहा था, मुझे दर्द होता था और थकावट से महसूस होती थी और डायलिसिस होता था 15 दिन में या फिर 30 दिन में एक बार, 30 दिन में करानी पड़ता था। अब पहले से आराम है ना, डायलिसिस की जरूरत तो नहीं पड़ी ना आपको? अभी नहीं है फिलहाल डायलिसिस। कब से नहीं कराया मुकेश डायलिसिस आपने? अभी 2 महीने से नहीं कराया। और जब आए थे उस समय प्रेगनेंट कितना था मुकेश आपका? 6.7 मंथ। और उसके बाद सर कम हुआ है, 4.71 हुआ है। तो आफ्टर 6.7 से 4.1 हो चुका है क्रिएटिनिन डायलिसिस की जरूरत मुकेश को नहीं है। डायलिसिस मुकेश का बंद हो चुका है, क्रिएटिनिन 6.7 से 4.1 हो चुका है। रिपोर्ट दिखाइए मुकेश। ये सर दे दिखाओ सामने कैमरा में, आ रहा है 6.7 है इसमें क्रिएटिनिन, इसमें सर 4.7। हाँ अभी पहले वाली दिखाओ, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया मुकेश को। डायलिसिस इसका बंद हो चुका है, साथ साथ क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ, दोनों चीजों में अच्छी इंप्रूवमेंट इसको नजर आ रहा है। इसे लग के फॉलो करा अनुशासन से नियम से एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड, रिजल्ट्स आर वेरी इंक्रेजिंग। देखो रिपोर्ट देखो आ रहा है, इसकी हार्ड कॉपी भी मैं प्रिंट लेके आप लगा दूंगा वीडियो में ताकि आप देख पाए। अच्छे से अनुशासन से नियम से फॉलो करने के बाद कर्मा आयुर्वेदा में अनगिनत रूप से अनगिनत तरीकों से बहुत से हजारों की संख्या में पेशेंट है जिनका डायलिसिस बंद हुआ है, जिनका क्रिएटिनिन रिड्यूस हुआ, इंक्रेडिबल। और आज मुकेश राजपूत में जुड़ गए। मुकेश क्या संदेश देना चाहोगे किडनी के मरीजों को? बहुत दिक्कत भरी स्थिति रही होगी आपकी। जी सर, पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी, अब पहले से बहुत राहत है। जब से मैं इनके डॉक्टर के पास आया हूँ तब से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं आराम से पहले से बंद हो चुका है मेरा। और अगर मुझे आराम हो सकता है तो हर किसी पेशेंट को भी आराम हो सकता है। ये मुकेश बिल्कुल सही बोला आपने, अगर आपको आराम हो तो और भी हो सकता है। बस आप तो पहले कहाँ के रहने वाले, कहाँ कर रहे हो, कहाँ से हो? रहने वाले एपी में, मेनपुरी से। अच्छा तो जब आप आए थे तो मेनपुरी में क्या बोला था ये रिपोर्ट जिनका आप मेनपुरी गए थे? तो उन्होंने डायलिसिस के लिए बोल दिया था और कह रहे हैं डायलिसिस हो गया इसका और कोई इलाज नहीं है। तो आप जो है डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ चुका है मुकेश, और डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं है।